क्लास आवाज आ रही है? यस सर, क्या हाल है सबके? अलहमदुल्ला सर जी। अच्छा, अभी तक 8 लोग आए हैं, बाकी कब तक आएंगे? कोई आइडिया है? पीछे क्लास थी, कोई लैब थी? यस सर, लैब थी। चलो 2 मिनट इंतज़ार कर लेते हैं ताकि बाकी भी आ जाएं। अच्छा जी, पिछली दफ़ा हमने बात की थी प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और हमने कुछ एग्जांपल्स वगैरह देखी थी इस्तेमाल कैसे करते हैं, और हमने बात की थी कि प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या होती है, कि नंबर ऑफ आउटकम्स विच सेटिस्फाई एन इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, या जिसको आप सैम्पल स्पेस से डिनोट करते हैं। और फिर हमने देखा था कि किस तरह से आप मुख्तलिफ सब स्पेसेस डिफाइन करते हैं सैम्पल स्पेस की, जिनको आप इवेंट्स कहते हैं, और फिर आप उस पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो उम्मीद है कि सबको ये बेसिक्स क्लियर होंगी, अगर किसी के कोई सवाल हैं तो पूछ लें। ठीक है, तो जिस तरह पिछली दफ़ा बात की थी कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक तो ये कि पूरे एक्सपेरिमेंट के टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या थे, तो आपको वो नंबर पता होना चाहिए, और इसी तरह आपको ये पता होना चाहिए कि उनमें से कितने नंबर ऑफ आउटकम्स जो हैं वो आपके पर्टिकुलर इवेंट को सेटिस्फाई करते हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। तो इसके लिए फिर ज़रूरी है कि आप उन नंबर ऑफ इवेंट्स को किसी तरह से काउंट कर सकें। तो जिस तरह हमने पिछली दफ़ा एग्जांपल्स देखी थी वो काफ़ी सिंपल थी रिलेटिवली, जिनके अंदर आप थोड़ी सी देर में ये आइडेंटिफाई कर सकते थे बड़े इजीली कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ एक तो सैम्पल स्पेस में कितने होंगे, और दूसरा ये कि आपका जो कोई भी इवेंट आप जिसमें स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड होंगे उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इवेंट्स लाए करेंगे। लेकिन जब आप ज़रा कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट्स की तरफ जाते हैं, या जो मल्टी स्टेज एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनको हम आज देखेंगे, उनके अंदर टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हो सकता है आपका एक्सपेरिमेंट ऐसा हो जिसके अंदर कोई बहुत सारी मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हों, और उसके नतीजे में टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाए। तो जिस तरह हम पिछली दफ़ा एक पूरी सैम्पल स्पेस का सेट लिखते थे, और उसके अंदर जितने भी नंबर, जितने भी इवेंट्स आउटकम्स थे जो कि उसमें लाए करते थे, हम इस तरह से सैम्पल स्पेस को लिख लेते थे, उसके अंदर कोई इवेंट्स हम लिस्ट कर देते थे, और हम पूरी सैम्पल स्पेस अपने आगे डिफाइन कर लेते थे। उसके बाद हम इसमें कोई इवेंट्स बताते थे, बनाते थे, डिफाइन करते थे क्राइटेरिया किसी इवेंट का, उसके अंदर हम कोई सैम्पल स्पेस के चंद इवेंट्स किसी एक इवेंट में आ जाते थे, और इसी तरह कोई कुछ सब सेट ऑफ आउटकम्स जो हैं वो किसी दूसरे इवेंट में आ जाते थे, और फिर हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते थे कि नंबर ऑफ इवेंट आउटकम्स दैट सेटिस्फाई इवेंट ए डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैम्पल स्पेस। तो जब आपके पास सैम्पल स्पेस काफ़ी बड़ी हो जाए, तो आपको प्रॉब्लम से
उसके सारे इंडिविजुअल आउटकम्स लिस्ट करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या किसी भी इवेंट के अंदर जो नंबर ऑफ आउटकम्स उसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे उनको क्वांटिफाई करने के लिए अब काउंटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम बजाय ये कि हर इवेंट लिस्ट करें, हम डायरेक्टली ये डिड्यूस कर सकें कि एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे। ठीक है, तो ज़रूरत हमें इसकी इसलिए पड़ती है कि आपके अगर फाइनाइट सैम्पल स्पेस है भी, जिस तरह हम पिछले एक्सपेरिमेंट में भी देख पिछले लेक्चर में देख रहे थे एग्जाम्पल्स में, कि आपके जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे उनकी सैम्पल स्पेस फाइनाइट थी, डिस्क्रीट सैम्पल स्पेस थी, जिसकी हमने पिछली दफ़ा डेफिनेशन की बात की थी कि डिस्क्रीट सैम्पल स्पेस वो होती है जिसमें आपके पास कोई काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, चाहे फाइनाइट हो चाहे आप उसको काउंटेबल इन्फिनिटी कहें, लेकिन अल्टीमेटली उसके अंदर एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो डिस्क्रीट सैम्पल स्पेस में, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो फाइनाइट नंबर बहुत छोटा हो, तो जब फाइनाइट नंबर बड़ा होगा तो आपके पास इंडिविजुअल आउटकम्स को काउंट करना हो सकता है मुश्किल हो जाए, हो सकता है टाइम कंज्यूमिंग हो जाए, हो सकता है कि वो उसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हों कि आप उसमें से कुछ पॉसिबिलिटीज़ मिस कर दें। और जब आप सारे आउटकम्स को लिस्ट नहीं करेंगे तो उसके बाद जब आप प्रॉबिबिलिटी में नंबर ऑफ इवेंट्स काउंट करेंगे तो उसमें ज़ाहिर है कि एरर्स आएंगे और प्रॉबिबिलिटी आप गलत निकाल रहे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको ये प्रॉब्लम दूँ कि एक शहर में आप गाड़ियों की कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट कर रहे हैं और आपने सर्वे, ज़ाहिर है अभी तक हमने हमने बात की थी शुरू में कि स्टेटिस्टिक्स में सर्वे जनरेशन या सर्वे डिज़ाइन का भी एक पूरा सेगमेंट होता है, लेकिन अभी हमने उसकी बात नहीं की। लेट सपोज आपने जो भी टेक्निक्स इस्तेमाल की या जो भी आपने कोई बैकग्राउंड एनालिसिस किया, उसकी बेसिस पे आपने ये डिसाइड किया कि आपके सर्वे के अंदर आपने गाड़ियों के तीन कैटेगरीज नोट करनी है कि उनकी माइलेज कैसी है, उनकी प्राइस कैसी है, बाइंग प्राइस, और उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसी है। और उनके आगे आपने माइलेज के लिए तीन कैटेगरीज डिफाइन कर दी, इनको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, लेट सपोज माइलेज वन, माइलेज टू, माइलेज थ्री से, यानी कि एम वन जो है वो लो माइलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम टू मीडियम माइलेज को, एम थ्री हाई माइलेज को। इसी तरह उसी गाड़ी की आप प्राइस की कैरेक्टरिस्टिक भी नोट करें कि उसकी प्राइस जो है वो मॉडरेट है या हाई है, और आप उसके ऑपरेटिंग कॉस्ट भी देख लें कि रनिंग कॉस्ट उसकी किस तरह की है। तो इसको मैं C1, C2, C3 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब हर गाड़ी की आपने ये तीनों कैटेगरीज में उसका कोई कैरेक्टरिस्टिक नोट करनी है। तो एक गाड़ी की मतलब कि आप तीन कैरेक्टरिस्टिक्स नोट करेंगे। अगर एक तरह से मैं इसका टेबल बनाऊँ कि आप कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी नोट करें, तो अब आप बेसिकली एक तो गाड़ियों की माइलेज नोट कर रहे हैं जिनमें आपके पास तीन ऑप्शन हैं, M1, M2, M3। इसके बाद आप उसी गाड़ी की प्राइस भी नोट कर रहे हैं, P1, P2, और फिर आप उसी गाड़ी की ऑपरेटिंग कॉस्ट भी नोट कर रहे हैं, तो C1, C2, C3। ठीक है, लेट सपोज आपके पास कोई गाड़ी आपके आगे से गुजरती है, आप उसके स्पेसिफिकेशंस नोट करते हैं। तो अब उस गाड़ी को आपने क्लासिफाई करना है इन तीनों कैटेगरीज में। तो एक गाड़ी की जो क्लासिफिकेशन होगी उसमें जाहिर है कि तीनों कैटेगरीज की इन्फॉर्मेशन शामिल होगी। तो हो सकता है गाड़ी जो आप पहली आपके सामने से गुजरे उसकी माइलेज मीडियम हो, यहाँ पे आपने एक चेक लगा दिया, प्राइस उसकी मॉडरेट हो, लेकिन उसकी रनिंग कॉस्ट जो है वो हाई है। तो बेसिकली ये वाला जो एक पर्टिकुलर गाड़ी है इसका सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास बना M2, P1, C3। इसी तरह एक और गाड़ी आपके आगे से गुजरती है, हो सकता है उसकी माइलेज इतनी ही हो, उसकी प्राइस ज़्यादा हो, उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो। तो अब इसका जो ये पर्टिकुलर आउटकम जो है इसको आप डिनोट करेंगे M2, P2, C1 से। तो बात करने की ये है कि अब इसी तरह आपके पास मुख्तलिफ गाड़ियाँ आ सकती हैं और उन सब के दरमियान इन तीन कैटेगरीज के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ज़ाहिर है विद इन अ सिंगल कैटेगरी वो किसी एक आउटकम उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा या उसकी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होगी किसी एक कैटेगरी में से, लेकिन क्योंकि आप तीनों कैटेगरीज इकट्ठे नोट कर रहे हैं तो उनका जब आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो जाहिर है कि अगर उनकी माइलेज सेम है तो आगे प्राइस और कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिफरेंट हो सकती है। इसी तरह अगर ये डिफरेंट है, हो सकता है यहाँ पर सेम हो सकता है तीनों चीज़ें डिफरेंट हो। तो अगर आप इसकी सैम्पल स्पेस बनाएंगे तो उसके अंदर आपको ये सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है उनको लिखना होगा, मसलन लो माइलेज, लो प्राइस और इनएक्सपेंसिव ऑपरेटिंग कॉस्ट। सॉरी, इसको मैं, इनके दरमियान कॉमाज नहीं होंगे क्योंकि ये अभी सिंगल आउटकम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्यों नहीं चल रहा? एक मिनट।
ठीक है, तो अभी आप एक सारे आउटकम्स सैम्पल स्पेस में लिस्ट करेंगे, तो आपके पास पहला आउटकम ये हो सकता है कि सारी चीज़ें लोअर एंड पे हों इस तरह, इसके बाद आपके पास M1, P1 और C2 हो सकता है, इसी तरह M1, P1, C3, और ज़ाहिर है कि इस तरह से फिर आप समझ सकते हैं कि काफ़ी सारे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे जो कि सैम्पल स्पेस के अंदर लाए करेंगे। सही है, यहाँ समझ आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, तो अब बात यह है कि हम इसको काउंट किस तरह से करें कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। अभी ये फिर भी एक रिलेटिवली सिंपलर प्रॉब्लम है, आप समझ सकते हैं कि जाहिर है कि अगर आप इसको इस तरह से लिखते जाएं या कलेक्ट करते जाएं इवेंट्स को, कि अच्छा पहले आप ये वाला, पहले दो कांस्टेंट रखें, तीसरा चेंज करें, फिर आप दूसरा वाला चेंज करके कांस्टेंट रखें, फिर तीसरा दोबारा चेंज करें, आप कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं क्योंकि अभी तीन कैटेगरीज हैं। लेकिन इसी तरह जब कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ती जाएंगी तो आपके पास नोट करना मुश्किल होता जाएगा। इसी तरह जिस तरह अभी तीन कैटेगरीज के बजाय अगर हम सिर्फ दो कैटेगरीज देखें तो आपके पास वो काउंटिंग जो है वो ईजियर हो जाएगी। तो इसलिए हम फिर मुख्तलिफ काउंटिंग टेक्निक्स जो हैं उनको समराइज़ करते हैं ताकि हम डायरेक्टली बगैर सैम्पल स्पेस सारी लिखे हम नंबर ऑफ इवेंट्स को क्वांटिफाई कर सकें। तो इसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है, थ्योरम ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ चॉइसिस का, और इसकी स्टेटमेंट आपके सामने है कि अगर आपके पास एक फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हैं, ठीक है, और वो नंबर ऑफ सेट्स जाहिर है 1 से लेके k तक हैं, तो आपके पास यह मैक्सिमम इंडेक्स k की है, और हर सेट के अंदर इंडिविजुअली एक सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो जाहिर है कि इसका मतलब ये है कि सेट A1 में n1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसी तरह सेट 2 में n2 नंबर ऑफ इवेंट्स हैं, और सेट 3 में n3 नंबर ऑफ इवेंट्स हैं अप टू सम फाइनल सेट k, ठीक है। और बेसिकली जो नंबर ऑफ इवेंट्स हर सेट के अंदर हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप इस सेट में से कोई चूज़ कर रहे हैं, कोई एक क्वांटिटी, ठीक है, तो इस सेट के अंदर अभी n1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उनमें से आपने कोई एक सेलेक्ट करना है, तो जाहिर है जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट के अंदर मौजूद हैं उतने आप किसी एक गैप को फिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप इन सेट्स को इकट्ठे, मतलब कि जिस तरह अभी हमारी एग्जाम्पल थी गाड़ी वाली, गाड़ियों के कैरेक्टरिस्टिक्स वाली, तो उसके अंदर एक सेट जो बेसिकली बन रहा था वो आपके पास था ऑपरेटिंग कॉस्ट का, इसी तरह आपके पास दूसरा सेट जो था वो उसकी बाइंग प्राइस का था, और तीसरा सेट उसके माइलेज का था, ठीक है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का जो सेट था उसके अंदर आपके पास कितने एलिमेंट्स थे? जी क्लास 3 थे सर। तीन थे बिल्कुल। तो आपके पास जाहिर है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट के सेट में से कोई एक, जाहिर है पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो किसी एक गाड़ी पे एप्लीकेबल होगा, तो उस गाड़ी की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट की प्रॉपर्टी है वो जाहिर है कोई एक इसमें से वैल्यू होगी, लेकिन जाहिर है उसको चूज, उसकी पॉसिबिलिटीज जो है चॉइस की वो तीन है। इसी तरह प्राइस के पास के लिए, प्राइस के सेट में आपके पास तीन एलिमेंट्स थे और माइलेज के सेट में दो एलिमेंट्स थे। तो ये थ्योरम ये कहता है कि अगर आप एक ओवरऑल सेलेक्ट कर रहे हैं, एक कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सेट्स, तो फिर इनका जो सिलेक्शन का पूरे ओवरऑल जो चॉइसेस है, नंबर ऑफ चॉइसेस, वो आपके पास रिप्रेजेंट होंगी इनके इंडिविजुअल सेट्स के अंदर जो नंबर ऑफ चॉइसेस हैं उन सारों के प्रोडक्ट से। तो बेसिकली अब आप इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग दैट पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। तो जिस तरह हमारी गाड़ी वाली एग्जांपल थी, तो उसके अंदर अब आपके पास पहले सेट में जाहिर है तीन एलिमेंट्स मौजूद थे, इसी तरह सेकंड सेट में, अब यहाँ पे गाड़ी वाली एग्जांपल में आपके पास K3 था, तो जाहिर है सिर्फ N1 से लेके N3 तक आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स 3 टाइम्स 2, तो इस तरह से आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्वान्टिफाई कर सकते हैं। इसकी ऑल्टरनेट स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली ये है कि अगर आप एक इवेंट को, एक ओवरऑल इवेंट को जो कि आपके सैम्पल स्पेस में है, उसको आप मल्टीपल स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की सिलेक्शन या उसके जो भी आप सिलेक्शन कर रहे हैं उस इवेंट की, उसके अंदर एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो मल्टीपल स्टेजेस से कंप्राइज है, तो आप उसको जब स्टेजेस में डिवाइड करेंगे तो आप ये देखेंगे कि हर स्टेज को कंप्लीट करने के कितने तरीके हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो सेट की बात हो रही थी, बेसिकली वो स्टेज आप उसको दूसरा नाम दे रहे हैं कि उसको सिलेक्शन के स्टेजेस हैं। तो जैसे आपके सामने से कोई गाड़ी गुजरी, उसका आपके पास अब तीन स्टेजेस थे कि आप उसकी कॉस्ट को कैरेक्टराइज करें तीन ऑप्शंस में से कि कौन सी होगी, इसी तरह उसकी माइलेज को कैरेक्टराइज करें
तीन ऑप्शंस में से और उसके प्राइस को कैरेक्टराइज करें किसी दो ऑप्शंस में से. तो अब आप इनको तीन स्टेजेस में डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो बेसिकली अब जो सेट्स की बात थी वो आप हम स्टेजेस से एक ऑल्टरनेट स्टेटमेंट है, बिल्कुल सेम बात हो रही है. तो उनको जो ओवरऑल इवेंट है उसको अकॉम्प्लिश करने के आपके पास अब जो नंबर ऑफ वेज हैं वो इंडिविजुअल स्टेजेस के नंबर ऑफ ऑप्शन से के प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट हो रही हो. तो इसकी अब आप मुझे बताएं कि क्या नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज थी हमारे एग्जाम्पल में. जी, तो हमारे पास 18 ऑप्शंस होंगी. अब इसको हम अगर ब्रेक डाउन करें तो आपके पास बेसिकली माइलेज की सिलेक्शन जो है वो स्टेज वन है, फिर इसी तरह प्राइस की स्पेसिफिकेशन स्टेज टू है और ऑपरेटिंग कॉस्ट की स्पेसिफिकेशन स्टेज थ्री है. और अब यहाँ पे आपके पास जो नंबर ऑफ आउटकम्स हैं हर स्टेज के वो आप देख सकते हैं, N1 3 है, N2 इज 2 और N3 इज 3. तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कैटेगराइजेशन हैं जो बेसिकली हमारे एक इवेंट होगा वो किसी एक गाड़ी की इन तीनों कैटेगरीज का कॉम्बिनेशन होगा. ये हमने एक हमारा एक इवेंट बनेगा कि उस पर्टिकुलर गाड़ी की क्या कैटेगराइजेशन थी. तो उसकी सारी जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं वो रिप्रेजेंट होंगी N1 टाइम्स N2 टाइम्स N3, जो कि आपके पास जाहिर है कि 3 × 2 × 3 इज 18 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं आपके पास, 18 पॉसिबल कैटेगराइजेशन. लेकिन याद रखें कि ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ चॉइसेस जो है ये डायरेक्टली एप्लीकेबल तभी है जब आप हर स्टेज में से कोई एक जाहिर है कि आउटकम सेलेक्ट करें, यानी कि माइलेज जो है गाड़ी की वो तीन में से दो ऑप्शंस नहीं आ सकती उसमें. ठीक है, तो स्टेज आप जब स्प्लिट कर रहे हैं उसको तो स्टेज इस तरह से डिफाइन करनी है कि स्टेज में से आप सिर्फ एक आउटकम निकाल सकें. ठीक है, तो ईच stage must have only one possible outcome. तब आप ये multiplication का जो principle है ये इस तरह से apply कर सकते हैं. ये हम आगे देखेंगे कि अगर आप एक stage में से multiple outcomes निकाल सकते हैं, ठीक है, एक ही वक्त में, तो तब आपके पास किस तरह से total number of choices evaluate होंगी. लेकिन अभी important चीज़ ये है कि multiplication of choices का theorem सिर्फ तब applicable है जब आप हर स्टेज में से जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस हैं इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर सके. यानी अगर मैं कार ए की बात करूं तो इसमें अब बेसिकली इसके इवेंट को फिल करने के लिए आपके पास तीन स्पेसेस हैं. पहली स्पेस सिर्फ और सिर्फ स्टेज वन फिल कर सकती है, इसी तरह सेकंड स्पेस स्टेज टू से फिल होनी है और थर्ड स्पेस स्टेज थ्री से फिल होनी है. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्टेज वन से दो आउटकम्स जो हैं वो निकल सकते हों और यहाँ पे पहली जो दो स्पेसेस हैं ये स्टेज वन से भी फिल हो सकती हूँ, ऐसा नहीं है. ठीक है, तो आपके पास जितनी भी स्टेज वन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं जो कि थ्री हैं, उनमें से आपने एक ही सिलेक्ट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे आपने माइलेज को लिखना है, यहाँ पे आपने प्राइस को लिखना है, यहाँ पे आपने कॉस्ट को लिखना है. इसी तरह कार बी जो होगी उसके अंदर भी वही तीन स्टेजेस होंगी और वो उन्हीं तीन पर्टिकुलर प्लेसेस को कॉरिस्पॉन्ड कर सकती हैं. सही है? एक्सक्यूज मी सर. सर ये नेट का इश्यू है तो काइंडली अगर मैं बीएमई मैसेज कर दूं आपको तो अगर लाइट चली गई तो उसका. अच्छा ठीक है सर, लॉकडाउन लगा हुआ कश्मीर में, बिल्कुल शहर में भी नहीं जाने देते बस घर में. ठीक है, आप अपना चैट में रोल नंबर भेज दें. वैसे मैं अटेंडेंस लिस्ट देख लिया करता हूँ तो अगर कोई आया हुआ होता है किसी का थोड़ी देर ड्रॉप हुआ तो मैं उसकी लगा देता होता हूँ. अच्छा ये 120 वलीद अहमद, आपने ये हैंड रेज किया है, कुछ पूछना चाह रहे हैं? वलीद अहमद ठीक है, बाकियों को भी क्लियर है सब? यस सर. अच्छा, अब इसी को ऑल्टरनेट तरीके से रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है आपके पास ट्री डायग्राम का. तो ये एक तरह से थोड़ा विजुअल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का तरीका आता है जो कि हम आगे प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम्स में काफ़ी फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करेंगे.
बेसिकली इसमें जब आप तीन स्टेजेस में प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम अ सिंगल डॉट जो कि आपकी अभी चॉइस, क्योंकि अभी शुरू हो रही है, तो आप एक इवेंट को यानी एक आउटकम को अब आप देख रहे हैं कि उसकी पॉसिबल डिविजन्स क्या हैं। तो सबसे पहले आप इसको ज़ाहिर स्टेज वन की जो आउटकम्स हैं वो लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेज वन में आपने इसको डिवाइड कर दिया कि अब आपका जो भी कोई पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन थी या जो पॉसिबिलिटीज ऑफ आउटकम्स थी वो किस तरफ जा सकती हैं, तो इनको आपने ब्रांचेस में डिवाइड किया है। पहली ब्रांच जो है वो स्टेज वन की पॉसिबिलिटीज को डिनोट कर रहा है कि स्टेज वन जो थी वो हमने माइलेज की कही थी, M1, M2, M3। तो ये आपने यहाँ पे पहले एक ब्रांचेस, तीन ब्रांचेस बना दी कि आपके पास नंबर ऑफ आउटकम्स जो हैं पहली स्टेज में किस तरह से स्प्लिट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेज वन में आपके पास तीन आउटकम्स थी, तो अब ये आपके पास तीन एक तरह से इवेंट्स की पॉसिबिलिटीज बन गई कि अभी तो आपने अगली स्टेजेस को नहीं देखा, आपने सिर्फ पहली स्टेज को लिया, और अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर क्योंकि तीन पॉसिबिलिटीज हैं तो आपकी सैम्पल स्पेस का साइज फिलहाल एट द फर्स्ट स्टेज 3 हुआ हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैम्पल स्पेस वो आपके पास एट द फर्स्ट स्टेज 3 हो गया, ठीक है। इसके बाद जाहिर है कि हर इंडिविजुअल जो माइलेज की आउटकम है या स्टेज वन की जितनी भी इंडिविजुअल आउटकम्स हैं उनके आगे स्टेज टू की जो आउटकम्स हैं वो हर में से ब्रांच करेंगी। तो स्टेज वन की पहली आउटकम में से भी आपने दो ब्रांचेस निकाली स्टेज टू के लिए, ठीक है। तो स्टेज टू में जो वेरिएशन आ सकती है वो अब आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करना शुरू कर रहे हैं कि स्टेज वन का जो आउटकम आपने अब सेलेक्ट कर लिया, हर आउटकम में से दो ब्रांचेस पॉसिबल हैं क्योंकि स्टेज थ्री जो है, सॉरी जो स्टेज टू है इसके अंदर आपके पास टू पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है। तो हर में से जब दो ब्रांचेस निकल रही हैं तो जाहिर है जो आपके पास तीन पहले आउटकम्स बने थे अब वो डबल हो रहे हैं, तो आपके पास जो टोटल सैम्पल स्पेस का साइज अभी तक बना पहले 3 था अब वो जाहिर है कि डबल हो जाएगा। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि उसी तरह से जो हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम देखा कि अब आप अगर यहाँ पे अपनी एक्सपेरिमेंट को एंड करें, आपके पास आगे कोई स्टेज 3 ना होती, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो थे वो 6 थे, और यहाँ पे आप आउटकम को किस तरह से डिनोट करते, इस आउटकम फॉर एग्जांपल को आप लिखते M1 P1, इसी तरह ये वाला आउटकम होता या ये वाला M3 P1, ठीक है, कॉमा नहीं डालना बीच में। इसी तरह फिर जब आपने स्टेज टू की सिलेक्शन कर ली, इसके बाद अब आपने स्टेज थ्री की भी हर पॉसिबिलिटी को आगे रिप्रेजेंट करना है, और वो हर इंडिविजुअल आउटकम जो आपके स्टेज टू के एंड तक आया था उससे आगे ब्रांच करती है, ठीक है। तो पीछे जो भी हुआ उसके आगे मजीद तीन ब्रांचेस निकल सकती हैं क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट की जो आपके पास चॉइसेस हैं वो तीन है। तो अब जो टोटल सैम्पल स्पेस का साइज बनेगा वो पीछे जितनी हो चुके आउटकम्स वो मजीद अब मल्टीप्लाई होंगे कि यहाँ पे अब आपके पास हर आउटकम में से कितनी चॉइसेस जा रही हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं बड़ा इंटुइटिव है कि हर आउटकम में से जब तीन निकल रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने आगे मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ आउटकम्स। इसी तरह से आप पहुँच गए अल्टीमेटली 18 पॉसिबल आउटकम्स पे, और यहाँ पे अब आपके पास फाइनल जो आउटकम्स हैं उनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप रीड कर सकते हैं बेसिकली हर ब्रांच को फॉलो करके। अच्छा ये वाला आउटकम क्या है, ये जा रहा है C1 P1 और M2 से होता हुआ, तो यहाँ पे जो मेरा अगर ये वाला ब्रांच फॉलो हो तो आउटकम होगा M2 P1 C1। इसी तरह अगर ये वाला आउटकम मैं देखना चाहूँ तो दिस वुड बी M3 P2 C2, ठीक है। किसी को ना समझ आई सर। हो ये कैसे बनाई है? आ गई है सर समय। चीज है, चलिए अब ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं, आप लोग तो मुझे बताएं कि इनका सलूशन कैसे होगा। पहले पहली वाली देखें, सवाल इसका ये है कि कोई रिमॉडलिंग की जा रही है किसी घर की, और उसमें जो भी आपका होम ओनर है उसको प्लम्बिंग का काम करवाना है और इलेक्ट्रिसिटी का काम करवाना है, तो उसने एक प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर चूज़ करना है और एक इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर चूज़ करना है। उसके पास ऑप्शन है चॉइस की कि 12 मुख्तलिफ प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर्स में से उसने कोई एक सेलेक्ट करना है और 9 मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स में से उसने कोई एक सेलेक्ट करना है। तो कितने मुख्तलिफ तरीके हैं अपने घर के लिए लोगों को हायर करने के? 108 ठीक है, बिल्कुल सही। बाकी
इसकी ट्री डायग्राम अब किस तरह से बनेगी कि आपके पास जो चॉइस है बेसिकली वो अब सबसे पहले लेट सपोज आप कह दें कि स्टेज वन जो है आपकी ए वन स्टेज वन जो है वो प्लम्बिंग को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, चॉइस ऑफ प्लम्बर। तो इसमें आपके पास नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल कितने हैं? बारह आउटकम्स पॉसिबल है ना, ठीक है। इसी तरह अगर आपकी आपकी जो स्टेज टू है कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन की वो ये है कि आपने इलेक्ट्रिशियन चूज करना है, ठीक है, चॉइस ऑफ इलेक्ट्रिशियन, और इसके अंदर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इस स्टेज के पर्टिकुलरली वो 9 है, ठीक है। तो आप क्योंकि आपको बताया गया कि 12 प्लम्बर्स हैं और जिनमें से चूज करना है जो अवेलेबल हैं और 9 इलेक्ट्रिशियंस हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन थियोरम डायरेक्टली हमें कहता है कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो हैं फॉर द इंटायर इवेंट वो बेसिकली दोनों स्टेजेस की पॉसिबिलिटीज का प्रोडक्ट है। तो 12 टाइम्स 9 और ये आपके पास 108 आ जाएगा। इसकी अगर ट्री डायग्राम बनाने को कहा जाए तो आपने स्टेजेस को जाहिर है कि स्पेसिफिकली डिवाइड करना है सेपरेटली। तो प्लम्बर की जब आप चॉइस करेंगे तो इसमें से कितनी ब्रांचेस जाएंगी? 12 होंगी, ठीक है। तो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 जाहिर है काफ़ी डेंस बन रही है, यहाँ पे जगह कम है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो उसके आगे आप लिखते जाएंगे P1, P2, P3, P4, सो ऑन अप टू P12। और फिर जो भी आप नंबर सेलेक्ट करेंगे उसके आगे मज़ीद, फिर सपोज मैं P4 सेलेक्ट करता हूँ, इससे आगे मज़ीद अब मैंने इलेक्ट्रिशियन भी एक चूज़ करना है और इसकी मेरे पास 9 मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज हैं। अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो अब यहाँ पे मैं लिस्ट करूँगा इलेक्ट्रिशियंस की मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं अप टू E9। और ये वाली ब्रांच जो है वो फिर हर प्लम्बिंग पॉसिबिलिटी में से इसी तरह से ब्रांच कर रही होंगी। सही है, सिंपल इनफ। किसी को ना समझ आई हो? आ गया सर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को देखें, इसमें आपके पास क्या तरीका होगा इसको हैंडल करने का या क्या आंसर होगा? स्टेजेस क्या बनेंगी? चलें ये बताएं। इसमें 50 होंगी सर। 50 क्यों होंगी, किस तरह से? 25 ही होंगे शायद सर। पहले ये बताएं इसके स्टेजेस क्या होंगे, आप इसको स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं या एक ही स्टेज है? इब्राहिम खालिद, ये यस सर, आपके ख्याल से कितनी स्टेजेस होंगी इसकी? सर असल में ये सिलेक्शन प्रोसीजर का नहीं पता कि सर ऐसे तो नहीं है कि पहले एक सिलेक्ट होता है उसके बाद दूसरे सिलेक्ट होते हैं या दोनों इकट्ठे सिलेक्ट होते हैं सर, ये चीज़ समझ नहीं आ रही सर। हाँ देखिए जिस तरह से लिखा हुआ है तो इसमें आपने एक पहले सिलेक्ट करना है उसके बाद दूसरा सिलेक्ट करना, चले ऐसे कर लें तो फिर कितनी स्टेजेस होंगी? सर 25x25 हो जाएंगी सर। अच्छा ठीक है, तो किसी और का कोई और ख्याल हो? उमर राजा 025। यस सर, आपके ख्याल से कितने नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे? सर आवाज नहीं आ रही सर, क्या कह रही है? मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं आपके ख्याल से इसके कितनी नंबर ऑफ आउटकम्स बनेंगी? 25x25 होंगी जिस तरह इब्राहिम ने कहा? 25 होंगी।
सिर्फ 25 होंगी, वो क्यों? सर जी जी आ गया सर, 25 × 24 होगा। अब ये देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो पूरी तरह क्लियर नहीं है, लेकिन जब आप इस तरह से आमतौर पर स्टेटिस्टिक्स में जब इस तरह की बात की जाती है कि आप हायरार्की में किसी को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आपने उसको स्टेजेस में डिवाइड करना है। स्टेज वन जो है वो है वाइस प्रेसिडेंट सिलेक्शन, और इसमें अभी आप देखें कि आपके पास पूरी जो भी लोकल यूनियन है उसके मेम्बर्स अभी मौजूद होंगे, ठीक है, सिलेक्शन के लिए। जब आप वाइस प्रेसिडेंट सिलेक्ट करेंगे तब आपके पास 25 में से किसी भी एक बंदे को आप सिलेक्ट कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए। तो बेसिकली स्टेज वन में नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो हैं वो 25 हैं। जब आप स्टेज टू पे जाएंगे, अब आपका वाइस प्रेसिडेंट सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है, या अगर आप प्रेसिडेंट पहले सिलेक्ट करें तो चलिए, अगर प्रेसिडेंट सिलेक्ट हो गए, फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि स्टेज वन वाइस प्रेसिडेंट सिलेक्शन है सपोज, तो जब आप प्रेसिडेंट की सिलेक्शन पे जाएंगे तो आप वाइस प्रेसिडेंट को अब जाहिर है कि प्रेसिडेंट नहीं सिलेक्ट कर सकते, तो वो आपके पास एक पॉसिबिलिटी जो थी वो ओमिट हो जाएगी। तो अब आपके पास स्टेज टू की नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो हैं वो 24 होंगी, ठीक है, ये रीजन समझ आ गई सबको? यस सर। ठीक है, क्योंकि एक बंदा अब आपका एलिमिनेट हो गया, वन चॉइस हैज बीन एलिमिनेटेड, क्योंकि वो पिछली स्टेज में सिलेक्ट हो गया। अब जाहिर है वो आप उसको रीयूज नहीं कर सकते, तो अब आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे वो n1 टाइम्स n2 यानी के 25 टाइम्स 24 हो जाएंगे, और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी कितनी आती है यार, 600। तो 600 डिफरेंट वेज हैं। अब ये देखें कि इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं स्टेज वन स्टेज टू डिफाइन कौन सी करता हूँ। अगर मैं स्टेज वन कहूँ प्रेसिडेंट सेलेक्ट हो रहा है, स्टेज टू वाइस प्रेसिडेंट सेलेक्ट हो रहा है बाद में, तब भी यही होगा कि प्रेसिडेंट जो है वो 25 में से कोई एक बंदा बन सकता है, और फिर प्रेसिडेंट क्योंकि बन चुका तो अब वाइस प्रेसिडेंट 24 में से बनेगा। तो आपके पास पॉसिबिलिटीज जो हैं वो 25 टाइम्स 24 से रिप्रेजेंट होंगी, सही? यस। अच्छा, अब यहाँ पे पहला केस देखिए कि हम, अब सवाल ये कह रहा है हम कोई 5 नंबर ले रहे हैं, 1 से लेके 5 तक 5 नंबर्स हैं हमारे पास। पहला क्वेश्चन ये है कि कितने 5 डिजिट नंबर्स हम इससे बना सकते हैं विद रिपीटेशन, यानी कि आप एक जो है नंबर उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन बताएगा? मोहिबुल्ला, यस सर। स्टेजेस होंगी पहले ये बताएं। सर टू। टू क्यों? आप क्यों कह रहे सर कितना? नहीं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, रेपिटेशन के साथ रेपिटेशन के बगैर दोनों केसेस में स्टेजेस कितनी होंगी? सर 5 स्टेजेस होंगी। 5 स्टेजेस होंगी बिल्कुल, क्योंकि आपने 5 डिजिट नंबर बनाना है। तो बेसिकली आपने, लेट्स सपोज आप कोई नंबर बना रहे हैं, आपने बेसिकली उसकी ये 5 डिजिट्स की स्पेसेस जो है ये फिल करनी है। तो आपके पास 5 नंबर का पूल है, ठीक है, पूल जो है आपके पास वो है 1, 2, 3, 4 और 5 का, ठीक है। अब विद रेपिटेशन या विदाउट रेपिटेशन, आपने इस पूल में से इन 5 स्पेसेस को बेसिकली फिल करना है इन ऑर्डर, ठीक है। रेपिटेशन की बात बाद में आएगी, स्टेजेस फिलहाल आपके पास 5 हैं, कि आपके पास पहली स्टेज है कि आपने पहला डिजिट फिल करना है, कोई सिलेक्ट करना है किसी तरह, दूसरा, तीसरा और से लेके 5वें तक। तो नंबर ऑफ स्टेजेस आपके पास 5 हैं, के जो है जो नंबर ऑफ स्टेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये 5 है। अब फर्क रेपिटेशन से पड़ेगा कि हर स्टेज में इंडिविजुअल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज नहीं है। अब ये बताएं कि विद रेपिटेशन आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हर स्टेज में कितनी है? सॉरी सर, रिपीट कर देंगे?
मैं ये कह रहा हूँ कि विद रेपिटेशन हर स्टेज में नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है? हर स्टेज में हमजा आपके ख्याल से हर स्टेज में 5 पॉसिबिलिटीज हैं? यस सर। एक एक है यस सर, ए वन में कोई भी नंबर आ सकता है ना इन पांचों में से, तो पांच होंगी। ठीक है, लेकिन उसामा कह रहे हैं कि एक पॉसिबिलिटी है हर स्टेज में। मैं उनसे पूछ रहा हूं कि उनका ये क्यों ख्याल है। उसामा आपकी आवाज नहीं आ रही। पांच होंगी इसलिए क्योंकि आप इस पूल में से पांचों नंबर में से कोई एक जो है वो यहाँ जा सकता है विद रेपिटेशन है, तो आपके पास जाहिर है कि यही पांच नंबरों का पूल जो है वो सेकंड स्पेस के लिए भी एप्लीकेबल है, तीसरे के लिए भी, इसी तरह पांचों के लिए। तो हर स्टेज की जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं वो 5 रहेंगी जब आप विद रेपिटेशन की बात करें। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी बनेंगी आपके पास? 5 to the power 5, और ये आपके पास आ जाएगा 3125 नंबर्स। बेसिकली आप बना सकते हैं इन पांच नंबरों को इस्तेमाल करके विद रेपिटेशन। ठीक है, अब ये बताएं विदाउट रेपिटेशन क्या होगा? सर 5 factorial। बिल्कुल, तो उस केस में ये होगा कि आपके पास पहला जो डिजिट है, लेट सपोज आप यहां से फिल करना स्टार्ट करते हैं, या जरूरी नहीं आप ऑर्डर में चलें, कोई पांचों में से कोई एक स्पेस आप पहले फिल करना शुरू करें, लेकिन जो भी आप स्पेस पहले फिल करेंगे उसके लिए आपके पास ही पूरा पूल मौजूद होगा, उसमें आपके पास 5 पॉसिबिलिटीज जा सकती हैं पहली केस में। ठीक है, लेकिन जब रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो जब आप नेक्स्ट स्पेस को फिल करने की बात करेंगे तो कोई एक नंबर, लेट सपोज इधर से 3 सेलेक्ट हो गया या 2 सेलेक्ट हो गया, कोई एक नंबर सेलेक्ट हो गया वो अब पूल में बाकी नहीं रहेगा, और फिर 4 नंबरों का पूल अब आपके पास सेकंड स्पेस को फिल करने के लिए अवेलेबल होगा। इसी तरह जब दूसरा नंबर सेलेक्ट हो गया तो अगले वाले के लिए अब आपके पास 3 नंबर बचेंगे, और जब तक आप आखिरी स्पेस तक पहुंचेंगे तो आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी रह गई होगी, क्योंकि 5 नंबरों का पूल था, पीछे 4 इस्तेमाल हो चुके होंगे, तो आपके पास आखिरी स्पेस के लिए एक ही नंबर बचेगा। इसकी जब आप नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज निकालेंगे 5 times 4 times 3 times 2 times 1, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5 factorial से। फैक्टोरियल सबको पता है कि क्या होता है? आई होप चाहिए ना, जिस भी आप नंबर का फैक्टोरियल लेते हैं, इसका मतलब यह है कि अगर मैं कोई भी लेट सपोज ए फैक्टोरियल लिखूं, तो दिस इज, इन केस किसी को ना पता हो, a times a minus 1 times a minus 2 up till 3, 2, 1, 3 times 2, ठीक है, यानी कि उस नंबर से आपने इंटीजर फॉर्म में चलना है डाउन टू 1, और आपने सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, ये फैक्टोरियल होता है। वैसे मेरे ख्याल से सबको पता होगा, बहुत बेसिक चीज़ है। तो फ़र्क अब आप देख सकते हैं विद और विदाउट रेपिटेशन में, कि जाहिर है विद रेपिटेशन में हर इंडिविजुअल स्टेज पे आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ज़्यादा थी, तो इसलिए वो सारी जब मल्टीप्लाई होती हैं तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो आप फॉर्म कर सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा थे, और जब रेपिटेशन आपको अलाउड नहीं है तो बेसिकली आपका पूल हर कंजेक्टिव स्टेज पे रिड्यूस होता जा रहा है, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हर कंजेक्टिव स्टेज की कम होती जा रही है, और फिर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जाहिर है ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रही हैं, क्योंकि ये सारे जो कंजेक्टिव स्टेजेस हैं इनकी पॉसिबिलिटीज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो वो इफेक्ट जो है वो मैग्नीफाई होता जाता है। ठीक है, तो अगर मैं विदाउट रेपिटेशन का ट्री डायग्राम बनाऊं, अभी मैं पहले ही क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा हूँ, तो आप पहले केस के लिए, पहले स्टेज के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप विद रेपिटेशन चल रहे हैं तो जो भी आपने पहले स्टेज में सेलेक्ट कर लिया, इससे आगे अब आपके पास मजीद 5 ब्रांचेस निकलेंगी, लेकिन जब आप विदाउट रेपिटेशन करेंगे तो आपके पास पहले स्टेज में ये 5 ब्रांचेस होंगी 1, 2, 3, 4, 5, और उसके बाद अगली स्टेज में 3, 4 होंगी। ठीक है, लेट सपोज आपने 4 सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे अब आपके पास जो नंबर बचेंगे उसमें 4 नहीं होगा। अगर आप 1 सेलेक्ट करते हैं तो जो आगे 4 ब्रांचेस होंगी इसमें 2, 3, 4, 5 होंगे। ठीक है, तो अब उस पर्टिकुलर जो स्टेज है उस पर आउटकम्स भी अब चेंज हो रहे हैं विदाउट रेपिटेशन में। दिस वॉज विद रेपिटेशन एंड दिस इज विदाउट रेपिटेशन। और फिर जब आप सपोज यहाँ से आगे जाएंगे तो अब आपके पास 3 ब्रांचेस होंगी, जिसमें ना 4 होगा ना 1 होगा,
और इसको अगर आगे मैं फॉलो करूँ तो दो बचेंगी, 2 और 5, और यहाँ से आगे फाइनल जो स्टेज होगी उसमें एक ही पॉसिबिलिटी बचेगी, ठीक है। आई होप अब ये सबको क्लियर हो गया होगा, सबको समझ आ गया। सर जो विद रेपिटेशन वाला, ये कहाँ तक चलेगा? विद रेपिटेशन भी आखिरी 5 स्टेजेस तक चलेगा, 1, 2, 3, 4, लेकिन इसमें फ़र्क ये होगा कि हर स्टेज में वो पांचों नंबर्स जो हैं वो अपीयर होंगे, यानी कि अभी स्टेज 2 है, स्टेज 3 में भी 5 ब्रांचेस होंगी, 1, 2, 3, 4, 5 की, इसमें भी 5 ब्रांचेस होंगी आगे, 1, 2, 3, 4, 5। आप अब देखें, सवाल में था कि आपने 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है इनसे, तो बेसिकली आपने 5 स्पेसेस फिल करनी है, 5 स्टेजेस हैं आपके पास, तो अब आप इसको लेके आगे 5 स्टेजेस तक चलेंगे। और ये याद रखें कि जो हर मैं ब्रांच बना रहा हूँ ये हर इंडिविजुअल इवेंट से निकल रही होगी, यहाँ से भी आगे 5 होंगी, फिर उससे आगे हर में से 5 होंगी, काफ़ी बड़ा ट्री डायग्राम बनेगा। लेकिन चाहे विद रेपिटेशन हो चाहे विदाउट रेपिटेशन हो, स्टेजेस आपकी 5 हैं क्योंकि वो आपके सवाल से कंस्ट्रेंड है, लेकिन अब हर स्टेज में विदाउट रेपिटेशन में हर इंडिविजुअल स्टेज में आउटकम्स अब चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। जबकि आप देखें विद रेपिटेशन में आपका पूल सेम रह रहा है, तो हर स्टेज में आपके पास वही सेट ऑफ आउटकम्स रिपीट होते जाते हैं, ठीक है। ये सर ठीक, सबको समझ आ गया ये वाला प्रॉब्लम? सही है कि जहां पे आपके पास ओमिशन की बात हो कि आपने कंसेक्यूटिव स्टेजेस में जाके हो सकता है कि पूल में से ओवरऑल जो भी आपकी आउटकम्स थे उसमें से कुछ रिमूव करते जाना, तो उसके लिए आपने देखना है कि अब आपका सवाल क्या रिक्वायर करता है। इसी तरह का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 200 कैन बी फॉर्मड अगेन विद रेपिटेशन विदाउट रेपिटेशन इन्हीं नंबर्स से। तो ओवरऑल सवाल पूल आपका यही है इनिशियली, अब सवाल ये है कि आपने 3 डिजिट नंबर्स बनाने और वो 200 से बड़े होने चाहिए। पहला केस देख लेते हैं विद रेपिटेशन का, ठीक है। अब मैं नीचे वाला क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहा हूँ। विद रेपिटेशन आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? पहले ये बताएं स्टेजेस कितनी होंगी। दानियाल सलीम, दानियाल आपको आवाज आ रही है? यस सर। कितनी स्टेजेस होंगी इस प्रॉब्लम की? कोई आइडिया नहीं है? अच्छा, जुहैर आप बता सकते हैं? नाइन जीरो जुहैर अहमद, जुहैर एब्सेंट है? सर उसका नेट इशू का आज लाइट गई हुई है तो इस। अच्छा, कोई और बता सकता है यार कितनी स्टेजेस हैं? सेकंड क्वेश्चन, यस सर, नंबर ऑफ स्टेजेस कितनी है? 3 होंगी, क्योंकि अब आपने 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, तो अब आप बेसिकली जो भी आपका पूल है, अगेन पूल आपका वही है 1, 2, 3, 4, 5, और अब आपने इसमें से 3 डिजिट्स कोई सिलेक्ट करने हैं क्योंकि आपका 3 डिजिट नंबर है, तो नंबर ऑफ स्टेजेस अब आपकी 3 हैं, ठीक है, ऑफ सिलेक्शन। अब ये बताएं कि पॉसिबिलिटीज कितनी है हर स्टेज में। अब जाहिर है 3 स्टेजेस हैं तो आप 3 नंबर्स लिखेंगे कि हर स्टेज की, जाहिर है क्योंकि 3 स्टेजेस हैं तो 3 स्टेजेस की इंडिविजुअल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। पहली स्टेज में मैं इन 5 में से कितने नंबर सेलेक्ट कर सकता हूँ? 5 जा सकते हैं।
नहीं सर, थ्री से आएंगे। यस सर, पांच में जा सकते। नो सर, सर वन टू थ्री आ सकते हैं, फोर फाइव नहीं आ सकते। बड़े डिफरिंग ओपिनियंस हैं। वन टू थ्री क्यों आ सकते हैं? चलिए, जिन्होंने आखिरी जवाब दिया कौन थे? सर वन टू थ्री भी थ्री नहीं आ सकता। वन टू नहीं आ सकते, थ्री फोर फाइव आ सकते हैं। थ्री फोर फाइव आएंगे सर। अच्छा, ये बताएं टू क्यों नहीं आ सकता? 200 से ग्रेटर नंबर में 201 भी तो आता है। तो आप जाहिर है कि 2 आ सकता है पहले स्टेज में, ठीक है। 1 नहीं आ सकता क्योंकि जाहिर है वो ऑब्वियसली 200 से नीचे एक नंबर चला जाएगा, लेकिन 2 आ सकता है स्पेसिफिकली क्योंकि आपके पास यहाँ पे 0 भी अपीयर नहीं हो रहा। तो अगर आप 2 ले भी आए, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं अभी फिलहाल क्वेश्चन चेंज करूँ, पूल में आपके पास 0 भी हो, तब भी आप 2 ला सकते हैं एज लॉन्ग एज फिर यहाँ पे रिपीटेशन के साथ दोनों 0 ना आए, तो वो एक केस आपका रिमूव हो जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि वैसे भी आपके पास 0 नहीं है, तो जो भी आप नंबर यहाँ 2 लिख के भी फॉर्म करेंगे वो 200 से बड़ा ही होगा, तो 2 आने की इजाज़त है। तो पहली स्टेज के लिए आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो हैं वो 4 हैं, ठीक है। 5 इसलिए नहीं है कि आपने 200 से बड़ा नंबर बनाना है, तो 1 नहीं आ सकता यहाँ पे, बेसिकली इस स्पेस में 1 इज नॉट अलाउड, बाकी सारे आ सकते हैं। इसके बाद विद रेपिटेशन स्टेज 2 में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? हो रही है सर। 4 क्यों है? सर उसमें 5 ही होंगी, पूरी होंगी 5, पूरी होंगी 5, क्योंकि अब जाहिर है कि सिर्फ पहले डिजिट में आपने देखना था कि वहां पे वो डिजिट 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, तभी आपका नंबर 200 से बड़ा होगा। लेकिन वहां पे जब कंस्ट्रेंट अप्लाई हो गई, इसके बाद अब आप अगले डिजिट्स में कंसर्न नहीं है, क्योंकि आपके उसमें आपने नहीं देखना कि वहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए। उसके लिए विद रेपिटेशन पांचों जो आपके पास ऑप्शंस हैं वो इक्वली वैलिड हैं। इसी तरह थर्ड स्पेस में आपके पास पांचों आ सकती हैं, तो इस पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो हैं वो 4 × 5। जी सर, ये n2 = 5 कैसे आई, ये नहीं समझ आया। अच्छा देखिए, पहले स्टेज जी सर मैं कह रही हूँ, आप काइंडली, मेरा थोड़ा नेट इशू था, थोड़ा लेट ज्वाइन किया, आप काइंडली थोड़ा सा ये बता दें कि हम कर कह रहे हैं, शॉर्ट समरी थोड़ी सी। यहाँ पे हम नंबर ऑफ आउटकम्स जो हैं किसी एक्सपेरिमेंट के, वो क्वांटिफाई करने की, काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि हम ये देख सकें कि अगर हमारा कोई पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट हो जिसके अंदर हमारे पास काउंट, हर जैसे पिछली दफ़ा हम सारे सैम्पल स्पेस था वो लिखते थे कि हर पॉसिबल एक्सपेरिमेंट का आउटकम क्या हो सकता है। अब हम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स की तरफ जा रहे हैं जिनके आउटकम्स जो हैं वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हैं या ज़रा नंबर उनका ज़्यादा है, तो अब हम उनकी वो सैम्पल स्पेस पूरा सेट जो है वो उस तरह से लिखना जिस तरह हम पहले लिखते थे आउटकम 1, आउटकम 2, आउटकम 3, वो लिखना हमारे लिए टाइम टेकिंग होगा या मुश्किल होगा। तो अब हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सैम्पल स्पेस में नंबर ऑफ़ इवेंट्स कितने हैं, क्योंकि अब हम जब प्रोबेबिलिटी निकालते थे तो वो हम नंबर ऑफ़ इवेंट्स से देखते थे कि नंबर ऑफ़ इवेंट्स किसी इवेंट ए को कितने सेटिस्फाई करते हैं, जो कि सबसेट होता था सैम्पल स्पेस का, डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस में कितने नंबर आते थे। तो अभी हम वो नंबर्स जो हैं वो क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हमने वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम देखा पीछे एक, कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज किसी इवेंट को, अच्छा हमने एक इवेंट कोई भी हम यार ये वैसे शुरू से आपको होना चाहिए था कि कोई इवेंट जो है जी मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगी सर। बेसिकली ये है कि हम इवेंट को अब मल्टीपल स्टेजेस में डिवाइड करें, ठीक है। हम एक तरह से वो कंपाउंड इवेंट्स देखें जिनके अंदर आपके पास स्टेजेस में प्रॉब्लम डिवाइड हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे अभी जो हमारे पास एग्जांपल प्रॉब्लम खुली हुई है, इसके अंदर हम नंबर्स फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे पास एक पूल ऑफ डिजिट्स है, ठीक है। अब ये हमारे पास नंबर्स का पूल है, इसमें से हम 3 डिजिट नंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम यहाँ पे
इन पांचों में से फिलहाल विद रेपिटेशन करें तो ये पांचों जो हैं वो जनरली हर स्पेस में हम देख सकते हैं कि ये इन पांच नंबर से बेसिकली हमने कोई नंबर बनाना है जो थ्री डिजिट हो, और कंस्ट्रेंट ये है कि वो नंबर जो हम बनाएं वो 200 से बड़ा हो। तो इसलिए हमने पहले कहा था कि फर्स्ट स्पेस में ये वन नहीं आ सकता, क्योंकि जाहिर है फिर वो ऑटोमेटिकली 200 से छोटा नंबर हो जाएगा। और अभी जो दूसरा कौन पूछ रहा था कि ये एन टू फाइव कैसे हुआ, उसका जवाब यही है कि पहले जो स्टेज है सिलेक्शन का वो जाहिर है कि ये हंड्रेड्स डिजिट का है, तो ये हमारे पास सवाल में कंस्ट्रेंट है कि 200 से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे वन आ जाएगा तो वो इस कंस्ट्रेंट को ब्रेक करेगा, इसलिए वन यहाँ पे अलाउड नहीं था। और पूल जो था वो हमारे पास एलिजिबल जो बचा था हिस्सा वो ये हिस्सा था, तो हमारे पास एन वन जो था इसलिए फोर था। अब हम प्रॉब्लम कंटिन्यू कर रहे हैं विद रेपिटेशन, यानी इस पूल में से हम नंबर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सपोज यहाँ पे थ्री आ गया तो मैं यहाँ पे थ्री दोबारा इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब 200 से बड़े नंबर में सेकेंड डिजिट की वैल्यू जो है उस पर कंस्ट्रेंट नहीं है, वहाँ पे कोई भी वैल्यू मैं लिख दूँ, एज लॉन्ग एज पहली कंस्ट्रेंट मैंने सेटिस्फाई कर दी कि यहाँ पे वन नहीं आ सकता, तो मैं यहाँ पे इन पांचों डिजिट्स में से कोई भी नंबर लिख सकता हूँ, ठीक है। और रेपिटेशन अलाउड है, तो अगर यहाँ पे जो भी नंबर सपोज थ्री या फोर इस्तेमाल हो गया वो यहाँ पे दोबारा आ सकता है। तो अब मेरे पास सेकेंड स्पेस के लिए एलिजिबल पूल का साइज फाइव है, इसलिए मेरे पास स्टेज टू के नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो फाइव लिखे हुए हैं, ठीक है। ये किसने पूछा था? सर मैंने पूछा था। जी समझ आ गई। Yes. इसी तरह जब आप थर्ड स्टेज पे जाते हैं तो आप यूनिट्स डिजिट सेलेक्ट करें, अगेन इसके ऊपर भी कोई कंस्ट्रेंट नहीं है और रेपिटेशन अलाउड है, तो आपके पास वो पांचों डिजिट्स जो पूल में मौजूद हैं वो एलिजिबल हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से मारिया पूछ रही थी कि हम क्या कर रहे हैं, तो बेसिकली हमने इस पूरे जो इवेंट था जो हम कोई नंबर सेलेक्ट कर रहे थे उसको हमने तीन स्टेजेस में डिवाइड किया था। स्टेज वन जो है इसको मैं यहाँ ए वन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो पहले डिजिट की सिलेक्शन थी, सेकंड डिजिट की सिलेक्शन स्टेज टू थी, और आखिरी डिजिट की सिलेक्शन स्टेज थ्री थी। और हमने एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम देखा कि जो आपके नंबर ऑफ वेज टू अकॉम्प्लिश एन इवेंट है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ वेज यू कैन अकॉम्प्लिश एन इंडिविजुअल स्टेज, ठीक है। तो एन वन जो है वो नंबर ऑफ वेज यू कैन अकॉम्प्लिश स्टेज वन, नंबर ऑफ वेज यू कैन अकॉम्प्लिश स्टेज टू, इसी तरह स्टेज थ्री अप टू जितनी भी आपकी फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेजेस होंगी। तो हमारा प्रॉब्लम हमने तीन स्टेजेस में डिवाइड किया था, इसलिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर दिस इवेंट आपके पास एन वन टाइम्स एन टू टाइम्स एन थ्री है, इसलिए अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फोर टाइम्स फाइव है। ऐसे प्रॉब्लम्स में अब ये सब के लिए कि ऐसे प्रॉब्लम्स में सबसे पहला चीज़ आपको ये करनी चाहिए, स्टेप वन आपका होना चाहिए आइडेंटिफाई द स्टेजेस, ठीक है, कि आप किस तरह से अपने प्रॉब्लम को स्टेजेस में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। और मैंने आपको ये शुरू में बताया था कि स्टेज ऐसी होनी चाहिए जिसमें से सिर्फ एक आउटकम पॉसिबल हो, यानी आप ऐसी स्टेज आइडेंटिफाई ना बनाएं कि वो दो जगहों पे उसके आउटकम्स जा सकें, तब आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा इस तरह से, ठीक है। तो हमने दो जी आपने ये देखा 4 × 5 × 5 मतलब ये तो 100 आता है हमारे पास, हमने ग्रेटर देन 2 करना है ना, तो ये गलत है या सॉरी आपकी आवाज कट गई। सर मैं कहती हमने ग्रेटर देन 200 का सेट बनाना था ना, मतलब थ्री डिजिट नंबर जो ग्रेटर देन 200 आए हमारे पास, तो ये डाल रहे हैं, तो ये गलत है या नहीं? ये 100 जो है ये नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है कि 100 इज द नंबर ऑफ 100 बेसिकली है नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 200 जो कि हम इस पूल से बना सकते थे, ठीक है। बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सपोज 3 4 2 2 4 3 इस तरह के 100 नंबर मैं ऐसे बना सकता हूँ जो कि इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करे, ठीक है। बाकियों को भी क्लियर है? Yes. ठीक है, अब मुझे बताएं विदाउट रेपिटेशन में किस हाँ तो मैं सॉरी पहले मैं स्टेप्स की बात कर रहा था, किस तरह से आप इसको स्टेप्स में डिवाइड करें अपनी आसानी के लिए। छोटा-मोटा पहला स्टेप आपका ये था कि आप अपनी आइडेंटिफाई द स्टेजेस, कि आप अपने जो प्रॉब्लम है इसकी सिलेक्शन को किस तरह से मुख्तलिफ स्टेजेस में डिस्क्रीट या इंडिपेंडेंट स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आप क्वांटिफाई करें
number of outcomes, quantify the number of outcomes, the number of outcomes that satisfy each stage, yeah, possible in each stage. ठीक है, तो basically इसमें आप n1, n2 वगैरह evaluate करेंगे. जिस तरह यहाँ पे हमने पहले काम किया था कि number of stages अपनी identify की थी, कि हमारे हमने three digit number बनाना है, तो हम हर individual digit की selection को एक stage कह रहे थे, a1, a2, a3. इसीलिए मैंने आप लोगों से शुरू में पूछा था कि बताएं इसमें कितनी stages होंगी. फिर हमने ये किया कि हर स्टेज के इस क्राइटेरिया देखा जो भी सवाल में आपका था, और हमने कहा कि इस स्टेज को अकॉम्प्लिश करने के कितने तरीके हैं, हर इंडिविजुअल स्टेज में कितनी आउटकम्स पॉसिबल हैं. एन वन, एन टू, एन थ्री हमने आइडेंटिफाई किए, और फिर तीसरा काम आपका ये है कि अप्लाई द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम. मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ठीक हो गया. तो बेसिकली आपने काउंटिंग इवेंट्स में जब आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से कर रहे हो, तो ये तीन स्टेप्स हैं बेसिक आपके, जो आपको एक रफ गाइडलाइन देंगे कि आपने करना किस तरह से. आई होप कि कम से कम जो लोग शुरू से मौजूद थे उनको समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से टैकल करेंगे प्रॉब्लम्स को. अब मुझे कोई बता सकता है विदाउट रेपिटेशन में एक तो आपकी नंबर ऑफ स्टेजेस क्या होंगी, फिर जाहिर है ये पूरा प्रोसीजर आप रिपीट करेंगे, तो विदाउट रेपिटेशन के लिए आप ये सवाल किस तरह से सॉल्व करेंगे. जी क्लास 48 आए सर, 4 into 4 into 3 ठीक है, लेकिन आप जरा डायरेक्ट आंसर पे पहुंच गए हैं. ये बताएं पहले कि स्टेजेस कितनी हैं इसकी, ताकि बाकियों को भी समझ आए. तीन स्टेजेस हैं ठीक है, ए वन, ए टू, ए थ्री. अगेन वही तीन स्टेजेस हैं कि आपको थ्री डिजिट नंबर के इंडिविजुअल डिजिट्स जो हैं वो सिलेक्ट करें. पूल आपके पास है 1, 2, 3, 4, 5 का. ठीक है, पहली स्टेज में नंबर ऑफ आउटकम्स हम पहले ही देख चुके हैं कि 4 होंगी, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं पूरे पूल से, और उसमें से आपके पास एक ऑप्शन ऐसी है जो कि एलिजिबल नहीं है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स पहली स्टेज के लिए एक कम होके आते हैं और वो 4 हो जाता. अब ये बताएं नंबर ऑफ आउटकम्स इन स्टेज 2 कितने होंगे. विदाउट रेपिटेशन में 4 ही होंगे सर. 4 क्यों होंगे? एक तो ऊपर यूज हो गया ना विदाउट रिपीटेशन, तो 4 हो जाएंगे वो. हाँ, तो एक आपका स्टेज 1 में डिजिट 1 के अलावा, यानी कि यहाँ पे 2, 3, 4, 5 में से कोई एक डिजिट जो है वो स्टेज 1 में इस्तेमाल हो जाएगा. जो भी यहाँ से कोई एक इस्तेमाल होता है, लेट सपोज जो भी सपोज मैं कहता हूँ कि 3 इस्तेमाल हुआ, तो यहाँ पे मेरे पास 2, 4, 5 बचेंगे, और जाहिर है कि यहाँ पे 1 दोबारा से एलिजिबल हो जाता, तो मेरे पास यहाँ पे स्टेज 2 में 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं. ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये 3 यहाँ पे इसलिए नहीं हुआ कि अगेन पिछले पहली स्टेज में 1 एलिजिबल नहीं था, जो कि यहाँ पे एलिजिबल हो गया. तो यहाँ पे 4 एलिजिबल थे, उनमें से 3 आगे इस्तेमाल होने के लिए बचे, लेकिन पीछे एक ऐसा था जो कि यहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकता था, वो यहाँ पे दोबारा आएगा, यानी यहाँ पे पहली दफ़ा आएगा, इसलिए स्टेज 2 की पॉसिबिलिटीज 4 हो जाएंगी. और स्टेज 3 की पॉसिबिलिटीज कितनी है? 3 सर. 3, क्योंकि अब यहाँ पे जो 4 हैं उनमें से कोई 3 नंबर्स बचेंगे, लेट सपोज 2, 4, 5. ठीक है, अगर 1 यहाँ पे इस्तेमाल हो गया, ये मैं जेनेरिक नहीं लिख रहा, ये मैं बड़ा स्पेसिफिक कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमने 3 सेलेक्ट कर लिया था, यहाँ पे हमने 1 सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे अब आपके पास 3 बाकी बचते हैं. ठीक है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अब यहाँ पे कोई और नंबर ऐड होने को नहीं बचा. जिस तरह यहाँ पे 1 आ गया था ड्यू टू एलिजिबिलिटी या इनएलिजिबिलिटी इन स्टेज 1, यहाँ पे 1 पहली दफ़ा अपीयर हुआ था, यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि पहली दफ़ा और आए, तो यहाँ पे जो 4 थे उनमें से अब 3 बचेंगे. तो इसका जो नंबर है कि वी कैन फॉर्म 4 times 4 times 3, यानी कि 48 थ्री डिजिट नंबर्स दैट वुड बी ग्रेटर देन 200. किसी को यहाँ तक ना समझ आया हो तो प्लीज़ पूछ लें. और नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूँ.
ठीक है, इसका अगर ट्री डायग्राम बनाया जाए तो यहाँ पे आपके पास पहली स्टेज के लिए ये ऑप्शंस थे, ठीक है, विद या विदाउट रेपिटेशन। और उसके बाद अगर विदाउट रेपिटेशन की बात करें तो यहाँ से आगे फिर आपके पास, अगर मैं टू वाली ब्रांच सेलेक्ट करूँ तो फिर मेरे पास आगे थ्री फोर फाइव और वन ऐड हो जाता है। इसी तरह फिर आखिरी स्टेज के लिए अगर फोर से मैं आगे प्रोसीड करूँ तो थ्री फाइव वन, इस तरह से मेरी जो पाथ बनेंगे। और जाहिर है तीन स्टेजेस हैं तो मेरे पास जो भी आखिरी स्टेज के बाद या इस ब्रांच के बाद जो भी पाथ बनेगा वो मेरे आउटकम्स होंगे। मसलन अगर मैं ये वाला पाथ, ये वाला आउटकम लिखूँ तो ये 243 बनेगा नंबर, इसी तरह ये वाला लिखूँ तो ये 245 होगा, ठीक है, तो ये 5, 4 और फिर 2 और इसी तरह 241 होगा, ठीक है। इसी तरह तीन आउटकम्स पॉसिबल होंगे, इस वाले से आगे मजीद थ्री अगर आपने सेलेक्ट किया है तो 1, 4, 5 होंगे, उसके भी आगे तीन नंबर आ जाएंगे 231, 234, 235। तो इस तरह से आप जितने भी नंबर बनाएंगे आप देखेंगे जाहिर है कि 200 से बड़े आएंगे और थ्री डिजिट होंगे, ठीक है। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा इससे एक बढ़ के कॉन्सेप्ट है परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का। परमिटेशंस कॉम्बिनेशंस में थोड़ा सा फर्क है और ज़्यादातर सिमिलर चीज़ें होती हैं। सिमिलैरिटी इनमें यह है कि दोनों में आपने एक पूल जो है आपका, उसके अंदर आपके पास जिस तरह पीछे हमारे पास कुछ एलिमेंट्स थे, पूल में आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो एन है। इसमें से आपने कोई सबसेट सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट अ सबसेट जिसका साइज होगा ए और या आर, सॉरी यहाँ पे हमारे हम आर की रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसेट का साइज आर होना चाहिए, ठीक है। एन है पूल साइज जहाँ से आप सेलेक्ट कर रहे हैं और आर है आपका सबसेट साइज जो कि आपने पूल में से डिजिट्स, जिस तरह पीछे हम सेलेक्ट कर रहे थे तो डिजिट्स आप अगर चूज करें तो नंबर ऑफ डिजिट्स आपने कितनी चूज करना है, या इसी तरह और प्रॉब्लम्स में हम देखेंगे। तो जो भी आप पूरे पूल में से सबसेट बना रहे हैं उसका साइज, अगर जाहिर है कि सबसेट जो होगा वो या तो पूल के बराबर हो सकता है, जिस तरह हमारे पास पहला प्रॉब्लम था यहाँ पे जिसमें पांच नंबर्स थे हमारे पास और उनसे हम फाइव डिजिट नंबर्स फॉर्म कर रहे थे, सही है, या फिर वो पूल साइज से कम हो सकता है। तो परमिटेशंस और कॉम्बिनेशंस का कॉन्सेप्ट आपको ये बताता है कि बेसिकली कितने मुख्तलिफ नंबर ऑफ वेज में आप पूल से वो सबसेट बना सकते हैं। अब फर्क परमिटेशंस और कॉम्बिनेशंस में ये है कि परमिटेशंस में वो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट या किस ऑर्डर में आप वो स्टेज परफॉर्म करते हैं, किस ऑर्डर में आप उस स्टेज में वो आउटकम सेलेक्ट करते हैं पूल में से, वो इम्पॉर्टेंट होता है। जिस तरह ये वाली हमारी प्रॉब्लम थी कि हम फाइव बेसिकली पूल था आपका साइज, ठीक है, ओवरऑल आपके पास पूल जो था वो 1, 2, 3, 4 और 5 था, तो इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे पूल में वो 5 थे और इनमें से आप थ्री डिजिट नंबर्स बना रहे थे, ठीक है, लेकिन आपने उसको स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ था। तो एक स्टेज के लिए बेसिकली आपके पास जो सबसेट था, जो सिलेक्शन थी, वो 1 की थी। और हमने देखा कि विद रेपिटेशन या विदाउट रेपिटेशन पहली स्टेज के लिए आपके पास 4 था और ये वाला 1 था, इसी तरह ये 1 था बल्कि ये भी 4 था सॉरी, और ये 3 था और यहाँ पे 1 था, सही है ना, कि आपके पास तीन स्टेजेस थी, हर स्टेज में आपका जो पूल था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, ठीक है। पहली स्टेज में हमारी क्योंकि कंडीशन ऐसी थी तो आपके पास नंबर ऑफ पूल में जो आपके पास नंबर ऑफ एलिजिबल आउटकम्स थे वो 4 थे, इसी तरह यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 3 थे, तो वो जो n थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। और उनमें से हम सेलेक्ट कितने कर रहे थे वो हमारे पास हर स्टेज में, क्योंकि हमने स्टेज डिफाइन ही ऐसे की थी, तो हर स्टेज में 1 थे, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखें कि जब हम डिजिट नंबर बनाते हैं, थ्री डिजिट नंबर बनाते हैं, तो उसके अंदर ये जो स्टेज की ऑर्डर है ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे एक नंबर सेलेक्ट करूँ, ठीक है, मैं पहली स्टेज में मैंने नंबर सेलेक्ट किया 2, सेकंड स्टेज में 3 और आखिरी स्टेज में 1, तो ये मेरे पास एक नंबर बनेगा 231 का, जो कि डिफरेंट होगा 321 से, जो कि 321 बनाएगा। तो परमिटेशंस का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये होता है कि आप किस ऑर्डर में वो सिलेक्शन कर रहे हैं वो ज़रूरी है, वो आपने कंसिडर करना है। जबकि कॉम्बिनेशंस में आप ये कहते हैं कि आपने वो उसी सबसेट का आपने सिलेक्शन करनी है, लेकिन उसमें अब ऑर्डर क्या है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है,
ठीक है, ये हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। परमिटेशंस में ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इम्पॉर्टेंट होता है और नंबर ऑफ परमिटेशंस बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि आप वो सबसेट में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनका कितना नंबर जो भी आपने सेलेक्ट करना है वो आप कितने मुख्तलिफ तरीक़ों से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो एन पी आर है ये पूरी टर्म बेसिकली है नंबर ऑफ वेज दैट आर ऑब्जेक्ट्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम अ पूल ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम अ पूल ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स विद द ऑर्डर ऑफ सेलेक्शन बीइंग इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फैक्टोरियल नोटेशन आपको मैं पहले बता चुका हूँ, तो n फैक्टोरियल जो होगा न्यूमरेटर में ये बेसिकली इक्वल होगा n टाइम्स n माइनस 1 टाइम्स n माइनस 2 अप टू 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1। और जो n माइनस r फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल है इस पूरी टर्म के ऊपर अप्लाई हो रहा है, इनसाइड द ब्रैकेट्स पूरी टर्म पे अप्लाई हो रहा है। तो बेसिकली n माइनस r टाइम्स n माइनस r माइनस 1 टाइम्स n माइनस r माइनस 2 अप टू अगेन 3 टू 1। ठीक है, अब नीचे एग्जाम्पल आप पढ़ें तो इसमें आपके पास काफ़ी सिमिलर है जो हम पिछली स्लाइड में देख रहे थे कि आपसे थ्री डिजिट नंबर्स आपने बनाने हैं। अभी इसके ऊपर आपके पास मैग्नीट्यूड पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और आपको पूल दिया गया है कोई पांच नंबरों का जो कि पिछले वालों से मुख्तलिफ है। ठीक है, अब अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से करेंगे तो अगेन आप इसको तीन स्टेजेस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री। और फिर आप अभी यहाँ पे रेपिटेशन की बात नहीं की गई, लेट्स अज्यूम कि आपको रेपिटेशन जो है वो अलाउड नहीं है। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करते हैं तीन मुख्तलिफ स्टेजेस में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से, तो जाहिर है आपको इसमें टाइम ज़रा ज़्यादा लगेगा। परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का जो कॉन्सेप्ट है वो इसको, इस टाइम को, इस एफर्ट को रिड्यूस करता है। जब आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इस पर अप्लाई करेंगे, आप तीन स्टेजेस बनाएंगे, आपकी नंबर ऑफ स्टेजेस थ्री होंगी और फिर आप नंबर ऑफ आउटकम्स देखेंगे हर स्टेज में। पहली स्टेज में 5, सेकेंड स्टेज में विदाउट रेपिटेशन 4, थर्ड स्टेज में विदाउट रेपिटेशन 3, और आप कहेंगे कि नंबर ऑफ आउटकम्स जो हमारे पास पॉसिबल हैं वो हैं 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3, यानी कि 60 आउटकम्स पॉसिबल हैं। ठीक है, और इसके अंदर आप देखें कि डिफरेंट थ्री डिजिट नंबर्स हैं, यानी कि ऑर्डर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसी चीज़ को जब आप परमिटेशन से इवेल्यूएट करने की कोशिश करेंगे तो आप सबसे पहले अपना पूरा पूल साइज जो है वो डिफाइन करेंगे। आपका पूल साइज यहाँ पे कितना है, कौन बताएगा? आपका 5 है। अच्छा हाँ, परमिटेशंस कॉम्बिनेशंस में आपको इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आपको स्टेजेस में डिवाइड करना उस तरह से ज़रूरी नहीं है, जिस तरह मैंने यही फ़र्क दिखाना चाह रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में आपने उसको स्टेजेस में डिवाइड किया, परमिटेशंस की मदद से आप इसको बगैर उस सारी कॉम्प्लेक्सिटी में जाके उसके बगैर ही आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अभी आपके पास पूल साइज जो है जिससे आप स्टार्ट कर रहे हैं वो 5 है। ठीक है, आपने इसमें से सिलेक्शन कितने ऑब्जेक्ट्स की करनी है, यानी कि आपका जो R वेरिएबल है वो कितना है, क्यों आपने सबसेट सेलेक्ट करना है, उसका साइज क्या है? 3। तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में नंबर ऑफ स्टेजेस थी, बेसिकली वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है R से कि नंबर ऑफ सिलेक्शंस आपने कितनी करनी है। ठीक है, अब आप डायरेक्टली, क्योंकि परमिटेशंस की जो नंबर की डेफिनेशन थी जो हमने ऊपर फॉर्मूला देखा वो यही था कि आप नंबर ऑफ वेज दैट यू कैन सेलेक्ट थ्री ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 5 विद द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन बीइंग इम्पॉर्टेंट। परमिटेशंस जो है उसमें हमेशा ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट होगा। तो आप जब भी ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे इसमें वो सारी वो पॉसिबिलिटीज़ भी काउंट करेगा, जैसे सपोज यहाँ पे आप नंबर सेलेक्ट करें इन 5 में से 5 to 1, तो वो 1 to 5 को एक अलहदा आउटकम काउंट करेगा। आगे हम कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे उसमें वो 5 to 1 और 1 to 5 को एक ही आउटकम काउंट करेगा। ठीक है, तो परमिटेशंस का जब आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो ऑटोमेटिकली इन दो चीज़ों को, एक दो अलहदा आउटकम्स काउंट करेगा। और आपको, आप जब इसको लिखेंगे कि अब 5P3
ये बेसिकली आपको नंबर बताएगा कि द नंबर ऑफ वेज यू कैन सिलेक्ट थ्री ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ अ पूल ऑफ फाइव विद द ऑर्डर बीइंग इम्पॉर्टेंट. तो ये अब आपके पास आ जाएगा. अब आप यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करें, फाइव फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फाइव माइनस थ्री होल फैक्टोरियल. ठीक है, तो ये आपके कैलकुलेटर्स के ऊपर आपको अगर बटन मिल सकता है, यहाँ पे आपके पास आमतौर पे टॉप राइट हैंड साइड पे एक एक्स एक्सक्लेमेशन मार्क वाली ऑप्शन होती है. ठीक है, कुछ कैलकुलेटर्स में आपको वो शिफ्ट दबा के एक्सेस करना पड़ता है, वो इन्वर्स वाले के ऊपर होती है. कुछ में डायरेक्टली वो फैक्टोरियल वाला होता है, वो आप देख लें. आप वहाँ पे ये वैल्यूज डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं. आप सिंपली अपने कैलकुलेटर में फाइव फैक्टोरियल लिख के इक्वल टू दबाएंगे तो वो आपको वैल्यू बता देगा उसकी, जो कि होती है 120. और अगर किसी को ना भी मिल रहा हो तो फाइव फैक्टोरियल सिंपली है फाइव टाइम्स फोर टाइम्स थ्री टाइम्स टू टाइम्स वन. और जो डिनोमिनेटर में टर्म है, ये आपने पहले ब्रैकेट इवेल्यूएट करनी है, तो ये टू आ जाएगा. टू का आपने फैक्टोरियल देखना है, विच इज डिनोमिनेटर अगर मैं लिखूँ टू टाइम्स वन. तो बेसिकली ये और ये टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और आपके पास आ जाएगा फाइव टाइम्स फोर टाइम्स थ्री, अगेन ये 60 आ जाता है. ठीक है, इसको आप दूसरी तरह करें, 120 बाय 2 फैक्टोरियल इज अगेन 2, क्योंकि 2 टाइम्स 1 है, तो ये तब भी 60 आता है. तो अब आप देख सकते हैं कि कंपेयर टू द मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन बड़ी आसान हो गई है. और एक और चीज़ कि कैलकुलेटर में आपके पास x फैक्टोरियल का बटन भी होता है, और आपके पास कैलकुलेटर में अगर आप देखें तो एटलीस्ट मेरे मॉडल में मल्टीप्लीकेशन साइन जहाँ है, मल्टीप्लीकेशन का बटन है, उसके ऊपर एक ऑप्शन है एन पी आर की. तो जब आप ये इस्तेमाल करें तो आप अगर अपने कैलकुलेटर में एंटर करें 5 और फिर आप शिफ्ट दबा के ये बटन डालें तो वो उसके आगे डिस्प्ले में ये पी लिखेगा, और उसके आगे आप अपने आर की वैल्यू दबाएं 3, और इसके बाद आप इसको कैलकुलेट करें तो वो डायरेक्टली आपको बगैर इस सारे हैसल के, बगैर फैक्टोरियल इस्तेमाल किए भी उसकी वैल्यू बता देगा. ये अभी आप करके देख लें, ऐसा ही है. कैलकुलेटर है किसी के पास अभी? यस सर. मिल गया बटन, मिल गई कमांड. नहीं सर. एक सेकंड, और को भी नहीं मिली? मिल गई है सर. एक मिनट में दिखाई देता हूँ. ये आपकी आसानी के लिए है, क्योंकि ये आपकी कैलकुलेशन टाइम जो है इसको काफ़ी रिड्यूस करती है. ठीक है, आपको वो फार्मूला भी उस तरह से याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपने आइडेंटिफाई करने हैं यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी कि n, और नंबर ऑफ जो सबसेट का जो साइज है r, और फिर उसकी मदद से आप डायरेक्टली जो है निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे. ये अगर आप स्क्रीन देखें तो ये आपके कैलकुलेटर की शक्ल है. ठीक है, थोड़ा बहुत लोगों का मॉडल फ़र्क होगा. यहाँ पे आप देखें मल्टीप्लिकेशन साइन है. अच्छा, पहले तो आप ये देखें यहाँ पे ये फैक्टोरियल का साइन है. ठीक है, तो आप जो भी नंबर लिखें शिफ्ट दबाएं, ये वाला बटन दबाएं, तो उसके साथ वो एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, वो आपको फैक्टोरियल की वैल्यू दिखा देगा. दूसरा, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन साइन के ऊपर ये एन पी आर लिखा हुआ है, इसको भी आप शिफ्ट दबा के एक्सेस करेंगे तो आप एन की वैल्यू खुद टाइप करें, जो भी एन की वैल्यू, जैसे यहाँ पे फाइव है, आप फाइव का बटन दबाएं, फिर आप शिफ्ट दबा के ये बटन दबाएं तो कैलकुलेटर पे एक पी लिखा आएगा, और उसके बाद फिर आप r की वैल्यू लिखें 3 और इक्वल टू दबाएं तो आपको वो उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर देगा. इसी तरह इसके साथ वाला बटन अगले कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशंस के लिए इस्तेमाल होता है ncr का. तो जब आप इसी तरह 5c3 लिखेंगे तो आपको कॉम्बिनेशंस का आगे हम फॉर्मूला देखेंगे, वो डायरेक्टली इवेल्यूएट करके बता देगा. ये मिल गया बटन सबको? यस सर. तो सवाल करते हुए ये फॉर्मूला इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और बेहतर है कि ना करें, आपका अपना टाइम बचेगा. बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें फ़र्क क्या है. ठीक है, कॉम्बिनेशंस और परमिटेशंस में फ़र्क क्या है. एक मिनट में वापस इसमें जाता हूँ. स्लाइड्स नज़र आ रही है?
सर अच्छा अब यहाँ पे आप देखें कि हमने डिफरेंस क्या हुआ हमारे मल्टीप्लिकेशन अप्रोच में और परम्यूटेशंस अप्रोच में और परम्यूटेशंस कब एप्लीकेबल है ये समझना ज़रूरी है ठीक है तो परम्यूटेशंस में बाय डिफ़ॉल्ट आप रेपिटेशन नहीं कर सकते ठीक है रेपिटेशन अगर होगी तब आप परम्यूटेशन का तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि परम्यूटेशंस बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से ऑपरेट करती हैं कि अगर एक चीज़ सेलेक्ट होगी पूल में से तो अब वो पूल में अगले सिलेक्शन के लिए मौजूद नहीं है इसीलिए आप देखें कि मैंने जब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे विदाउट रेपिटेशन का प्रोसीजर अप्लाई किया तो वो आंसर मेरे पास परम्यूटेशंस वाले तरीके के बराबर आया अगर आप विद रेपिटेशंस चलेंगे तो आपके पास जाहिर है कि तीनों स्टेजेस में वो n1 n2 n3 जो है वो 5 होगा तो आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम जो है वो 5 क्यूब होगा और वो डिफरेंट आएगा आपके जो परम्यूटेशंस का तरीका है उससे तो परम्यूटेशंस में हमेशा रेपिटेशन अलाउड नहीं होती एक दफ़ा एक चीज़ एक आइटम सेलेक्ट हो गया आपके पूल में से अब वो अगले सिलेक्शन के लिए अगला जो आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का स्टेज है अगले स्टेज के लिए वो एलिजिबल नहीं रहेगा ठीक है ये बात समझ आई है सबको जी सर आ गई तो अगर मैं यही प्रॉब्लम ठीक है एक मिनट हाँ अगर मैं यही प्रॉब्लम परम्यूटेशन से सॉल्व करने की कोशिश करूं तो हाउ मेनी फाइव डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड फाइव डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद रेपिटेशन ये परम्यूटेशन से डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है अगर ये आपने परम्यूटेशन से करना है तो ये आपको फिर से विद रेपिटेशन वाला स्टेजेस में ही डिवाइड करना पड़ेगा ठीक है आप अगेन 1, 2, 3, 4 और 5 स्टेजेस बनाएंगे और फिर आप इन स्टेजेस के ऊपर परम्यूटेशन अप्लाई कर सकते हैं या कॉम्बिनेशंस भी अप्लाई करें एक ही बात है वो हम आगे देखेंगे कि एक जब आप सेलेक्ट करते हैं पूरे पूल में से सपोज एन में से आपका आर वन हो तो परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन सेम आती है वो देख लेंगे बाद में लेकिन परम्यूटेशन जो है डायरेक्टली पूरे प्रॉब्लम पे आप विदाउट रेपिटेशन पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे अगर मेरे पास पूल का साइज 5 था और मेरे पास सिलेक्शन मैंने 5 डिजिट नंबर्स की करनी थी विदाउट रेपिटेशन क्योंकि एक मिनट रुके ठीक है ना विदाउट रेपिटेशन मैंने 5 डिजिट नंबर सेलेक्ट करने थे तो आर जो है जो मैंने सबसेट बनाना है वो भी 5 का था मैंने आपको कहा था कि जो आपके पास आर है वो लेस देन इक्वल टू एन हो सकता है तो इसको जब आप इवेल्यूएट करेंगे 5p5 यानी कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस तो ये भी आपके पास 120 आएगा चाहे आप कैलकुलेटर से डायरेक्टली करें चाहे आप इसको करें 5 factorial divided by 5 minus 5 factorial ज़ीरो का फैक्टोरियल क्या होता है जीरो तो फिर ये वैल्यूएट हो सकती है नहीं सर जीरो फैक्टोरियल हमेशा वन होता है बिल्कुल सही ठीक है इसलिए आपके पास ये वाली फ्रैक्शन जो है ये बनेगी 5 factorial by 1 तो ये 120 आएगा जीरो फैक्टोरियल जीरो नहीं होता 1 factorial भी वन होता है 0 factorial भी वन होता है ठीक है तो परम्यूटेशंस के हवाले से ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है कि परम्यूटेशंस में ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है ठीक है ये तो यहीं पे लिखा हुआ है स्लाइड पे ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट दूसरा ये कि परम्यूटेशंस में डू नॉट अलाउ रेपिटेशंस सही है अगर हाँ बात कर रहे थे विद रेपिटेशन आपने परम्यूटेशन के तरीके से करना हो तो इसको आप अगेन डिवाइड करेंगे 5 स्टेजेस के अंदर और फिर आप हर स्टेज पे इंडिविजुअली परम्यूटेशन अप्लाई करेंगे ठीक है तो आप कहेंगे विद रेपिटेशन अब मेरे पास इस स्टेज के लिए n इक्वल्स 5 है r इक्वल्स 1 है क्योंकि अब मैंने एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है आप इस पर 5p1 अप्लाई करेंगे ठीक है ये आ जाएगा इक्वल टू 5 आई थिंक 5 हमेशा 5p1 इज 5 तो हमेशा जब भी आप कोई इस तरह का करते हैं np1 ये n की इक्वल आता है ये परम्यूटेशन की प्रॉपर्टी अगेन क्योंकि आपके पास वो नीचे आ जाएगा ये किस तरह से होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल होता है परम्यूटेशन का फॉर्मूला तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा जब r आपका 1 होगा
n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n टाइम्स n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, n अलहदा से टाइम्स n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल. तो ये कट के आपके पास आ जाएगा कि n p 1 इज ऑलवेज n. अच्छा, मैंने आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करने का तरीका तो बता दिया, इसका ये मतलब नहीं कि आपको फार्मूला याद नहीं करना. इस तरह की मैं डेरिवेशंस भी किसी क्वेश्चन में दे सकता हूँ, तो उसके लिए आपको फार्मूला आना चाहिए, इस तरह के बेसिक प्रूफ जिस तरह मैंने आपके सामने अभी किया, ठीक है. ये लेकिन आपका जहाँ पे प्रूफ के अलावा जहाँ आपकी कैलकुलेशन करनी होगी वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली. अच्छा, तो विद रेपिटेशन में अब आपके पास सेकेंड स्टेज के लिए भी n 5 होगा r 1 होगा, ये दोबारा से 5 आ जाएगी. परमिटेशन आप अप्लाई करेंगे 5 p 1, ये दोबारा से सेकंड स्टेज के लिए भी 5 आ जाएगा. और फिर इसी तरह पांचों स्टेज के लिए परमिटेशन जो हैं ये 5 आएंगी. और फिर आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एक तरह से दोबारा ही अप्लाई करते हैं, तो वो 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स टाइम्स 5 यानी कि 5 टू द पावर 5 आ जाएगा. तो आपको विद रेपिटेशन में एक तरह से परमिटेशन का फ़ायदा नहीं है, लेकिन परमिटेशन मेक थिंग्स मच ईजियर एंड मच फास्टर when you have to evaluate the number of outcomes possible without repetition, और जहाँ पे order important है. अगली class में हम combinations की बात करेंगे जिनमें importance नहीं दी जाती order of selection को, तो वहाँ पे आपको permutations और combinations का फ़र्क बेहतर समझ आ जाएगा. लेकिन आज के लिए हमने दो तरीके देखे count करने के events को, एक multiplication theorem था जो कि आप किसी भी प्रॉब्लम पे अप्लाई कर सकते हैं एज लॉन्ग एज आप अपने प्रॉब्लम को स्टेजेस में सही से डिवाइड करें, ठीक है. तो चाहे विद रेपिटेशन हो विदाउट रेपिटेशन हो, अगर आप हर स्टेज के नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स को सही से एवेल्यूएट कर सकें तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हर प्रॉब्लम पे एप्लीकेबल है. परम्यूटेशंस विदाउट रेपिटेशन विद ऑर्डर इम्पॉर्टेंट, ऐसे प्रॉब्लम्स पे डायरेक्टली अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है. अगली क्लास में कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे और फिर परमिटेशंस कॉम्बिनेशंस के मज़ीद कुछ एग्जांपल्स भी देख लेंगे. तो अगर परमिटेशंस किसी को अभी सही से पूरी तरह ना समझ आई हो तो वहाँ पे एक दफ़ा दोबारा से कंपैरिजन हो जाएगा. किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? नो सर. समझ आई है सही सर? जी सर. यस सर, आई है समझ. ठीक है, ये इस्तेमाल होते हैं आगे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए. आगे हम एडवांस प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरफ जाएंगे, वहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट्स इस तरह से आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी सारी नंबर ऑफ इवेंट्स पे बेस करती है. तो ये हम आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करें प्रोबेबिलिटी की तरफ. पिछली दफ़ा हमने बिल्कुल बेसिक प्रोबेबिलिटी देखी थी, आगे जाके हम कॉम्बिनेशंस परम्यूटेशंस वगैरह इस्तेमाल करेंगे और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वगैरह देखेंगे. ये वाली परम्यूटेशंस का कॉन्सेप्ट सिंपल प्रोबेबिलिटी पे भी एप्लीकेबल है. अगर नंबर ऑफ इवेंट्स आपके बहुत ज़्यादा हो जाएं तो आपको ज़ाहिर है इसी तरह से निकालने पड़ेंगे, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के भी इवेंट्स आप निकाल सकते हैं, वो ज़ाहिर है आगे देखेंगे, ठीक है. आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, फिर कॉम्बिनेशंस वगैरह अगली दफ़ा देखेंगे. ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह हाफ़िज़ सर.